हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम हुदा से मैं हूँ वैसे। सो गाइस, आज की काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। पहले तो टाइटल मैंने जब पढ़ा मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, यार क्या पीएम है आप लोगों का। मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए इस पीएम की, मैं कहता हूँ काम में आप लोग लकी हो, आपको इतना डाउन टू अर्थ पीएम मिला है, इतना सिंपल तरह का पीएम मिला है। वीडियो का जो टाइटल है, मोदी जी ने जब आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया तो गांव वाले भी हैरान रह गए। मतलब ये कहीं गए हैं मेरे ख्याल में, जहां पर भी गए हैं उधर आदिवासी जो लोग होते हैं उनके साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। एक पीएम, एक पावरफुल सुपर पावर कंट्री इंडिया का पीएम, मतलब इतना डाउन टू अर्थ भाई, ये चीज बाकी यार बोला है। मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट है। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। एमपी में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बगावत के बलबूते बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। वहीं अब कुछ माह बाद सूबे में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, जिसे लेकर अभी से ही प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब किसके दावे आगामी दिनों में वास्तविकता की परिधि पर टिक पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और इसी बीच पीएम मोदी के लिए आदिवासी समुदाय द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीएम मोदी ने खुद शिरकत की और महिलाओं और पुरुषों से बात की। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। सही बात है। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे, कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम शौचालय में। अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब्जी उत्पादन और हल्दी उत्पादन का कार्य शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस तीन गतिविधियों से मेरा महीने की आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। अपने हस्बैंड के लिए जो पहले साइकिल से हमको भी लेके जाते थे ब्लॉक, वहाँ जाना पड़ता था बैंक, तो साइकिल से जाते थे, उनके लिए टू व्हीलर भी ली। आपके आने से इतना मैं खुश हूँ कि मैं 2 घंटे भी बताऊंगी तो बता ना पाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो दिन में तो देखती थी सपने, लेकिन रात में सोने में भी मैं आपको ही देखती थी। जिस दिन कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, देखिए आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं बहनें उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उस दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। अरे रे रे। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैंने कहा है तो मैं आऊंगा, हमारी गारंटी मैंने पक्की होती है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। इसके बाद पीएम मोदी ने जब आदिवासियों के साथ जमीन पर खाना खाने का फैसला किया तो सब चौंक गए कि खुद प्रधानमंत्री उनके बीच बैठकर खाना खा रहे हैं। जिसने भी ये दृश्य देखा वह देखता रहे, और आदिवासी समुदाय के बीच पीएम मोदी ने जो भाईचारे की मिसाल पेश की वह देखने लायक थी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। वरना हो ही नहीं यार, सीरियस बात है। क्या बात है यार, पहले तो मुझे जो चीज अच्छी लगी, देखो खुद गए हैं ग्राउंड लेवल पे, गांव में गए,
देखो एक मतलब बड़े शहर होता है वो अलग बात है, जगह जगह से लोग आते हैं, जलसा रखते हैं, खुद गांव में एक गए हैं और वहां पर आदिवासी लोगों से मिले हैं और उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, उनसे उनके हाल चाल पूछा है, क्या कमाते हैं क्या करते हैं वो पूछा, आगे और टिप्स दिए हैं कि कहाँ पर मतलब आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको ब्याज मिलता रहे। तो मतलब क्या यार कमाल का भाई यार, यार मैं एक ये बोलूंगा ना कि यार देखो मुख्तलिफ कंट्रीज होते हैं, मानता हूँ ठीक है वो भी इस तरह जाते होंगे किसी के साथ, लेकिन वो कभी जमीन पर बैठ कर नहीं खाते, नहीं खाते वो बैठते उनके लिए टेबल लगे होते हैं सामने, बहुत दुनिया के पीएम होते हैं वो आम लोगों के साथ खाना भी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते, गांव के लोगों के साथ बैठ के मोदी जी खाना खा रहे हैं। मोदी जी को पता है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल करके जिस तरीके से नीचे से ऊपर एक काम आया ना, तो उनको पता है कि लोग किस तरह हर तरह के लोग कैसे उनकी क्या परेशानी होगी उनको क्या पता। और जब वहां पर मोदी जी ने बोला आप तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है, मतलब जो द्रौपदी मुर्मू मैम है वो भी आदिवासी है, गाँव ये छोटा सा गाँव ऐसा लग रहा है इसमें मतलब कुछ लोग हैं थोड़े से साथ जाकर बैठ के इतना करना यार। देखो एक होता है वो जो वोट मांगने जाते हैं तो बड़े लेवल पे शहरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी रैली बुलाते हैं और कहते हैं आओ उधर जाके अपनी बातें करते हैं, ये एक गांव तक में गए यार, मतलब मोदी जी का लेवल आप चेक करो, गांव को कोई पूछता भी नहीं है बड़ा नेता। हाँ भाई बड़ा नेता नहीं पूछता, ये तो पीएम चले गए गाँव में यार। मैं तो यार यही कहूंगा आप लोगों को, ऐसा पीएम है जो अंगलों के पांव धोता है, जो पीएम है जो झाड़ू लगाने वाले के साथ बैठकर खाना खाता है, कितनी बार बीच साफ किया, कितनी बार आपका वो पीएम है जो मतलब गरीबों को साथ बिठाता है, आपका वो पीएम है अगर जो ट्रेन में जाता है तो लोगों के साथ बैठकर जाता है, आपका वो पीएम है जो मतलब दूसरे के दुख सुख में जो है ना उसके शरीक होता है, आपका वो पीएम है जो जो घर नहीं खरीद सकते या घर नहीं बना सकते उनको घर देता है, और बंदे की क्या तारीफ। सही बात है यार, मैं क्या कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए वो काम। देखो इंडिया आज क्यों फल फूल रहा है, इंडिया क्यों इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया क्यों इंडिया के गीत गा रही है, ये पॉसिबल हुआ। देखो हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो हम पाकिस्तानियों को नजर आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं, खाली हमें नहीं नजर आ रहा, जो पाकिस्तान में दुनिया को नजर जो लोग क्रिटिसाइज करते थे वो भी आज बोल रहे हैं कि मोदी वाकई ऐसे काम करा रहा है कि भाई उधर जाकर देखो आज इंडिया कहाँ पर चला गया, जहाँ पर भी वो बड़े वर्ल्ड लेवल पे जाता है मोदी जी जाते हैं, जब वहां पर संबोधित करते हैं उन लोगों से कांग्रेस से, हमारे इधर पाकिस्तान में लोग मतलब वो पोस्टे करते हैं कि देखो हम जिनका मुकाबला करते थे वो आज कहाँ पर चले गए और हम कहाँ। और दूसरी बात ये कि यार जिस जगह पर भी जाते हैं मतलब वो उस जगह की जान बन जाते हैं, औरों को छोड़कर लोग मोदी जी के साथ सेल्फी बनवा रहे होते हैं, पिक्चर ले रहे होते हैं, मतलब उसके बाद जाकर ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, मतलब उधर वो एक वो क्या कहते हैं हमारे इधर लिखा जाता है जीनत बन जाना, वो उस पार्टी की जान बन जाता है। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा कह रहे हैं।